हम सब इस भोजन चक्र की वजह से ही जीवित हैं। वो कैसे? देखो, फूड चेन अर्थात आहार चक्र जीव जगत की ऐसी श्रृंखला है जिसके अंतर्गत भोजन के माध्यम से शक्ति स्थानांतरित होती रहती है, यानी एनर्जी चैनलाइज होती है, और शक्ति ऊर्जा ही जीवन को कायम रखती है। पृथ्वी पर केवल सूर्य ही प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य प्रकाश के द्वारा वनस्पति प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपने लिए खुराक बना लेती है। ये ऊर्जा वनस्पति के पत्तों, फूलों, फलों और बीज में संग्रहित होती है। शाकाहारी प्राणी विविध वनस्पति को खाते हैं। इन शाकाहारी जीवों का मांसाहारी जीव भक्षण करते हैं। इस तरह ये आहार चक्र चलता रहता है। मनुष्य भी इस फूड चेन का हिस्सा है। क्या हम भी? हाँ, हर स्तर पर ऊर्जा जैविक द्रव्यमान यानी ऑर्गेनिक मैटर के रूप में संग्रहित होती है। यही फूड चेन है। इसमें सर्वप्रथम स्थान वनस्पति का है, सबसे ऊपर अंतिम उपभोक्ता अर्थात लास्ट कंज्यूमर का स्थान रहता है। इस तरह एक पिरामिड बनता है। प्रत्येक स्तर पर उसके बाद के स्तर के लिए अंतः शक्ति की मात्रा प्रदर्शित होती है। जब इस फूड चेन का अंतिम उपभोक्ता मृत होता है, तब उसके विघटित कोषों को वनस्पति पोषक द्रव्य अर्थात मिनरल्स के रूप में ग्रहण करती है, अर्थात आखिरी कड़ी से प्रथम कड़ी जुड़ जाती है और चेन संपूर्ण हो जाती है, आगे बढ़ती है। और कोई कड़ी गुम हो जाए या टूट जाए तो? फूड चेन बिखर जाएगी और ऊर्जा का व्यय होने लगेगा, जिसके कारण जीवन का अस्तित्व जोखिम में पड़ जाएगा। इसलिए हमें अपने इकोसिस्टम को बचाए रखना होगा, किसी भी जाति प्रजाति को लुप्त होने से बचाना होगा, क्योंकि प्रत्येक जीवन अन्योन्य आलंबित है यानी इंटरकनेक्टेड है। तो अगर जीवित रहने की है फिक्र तो रुकने न पाए ये आहार चक्र।